हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेन्यू है वाहन मोस्टैंग, जो कि त्रिपुरा की एक फेमस ट्रेडिशनल फूड है। तो पहले मैं पोर्क बॉईल करूँगी। बॉईल करने के टाइम मैं सॉल्ट और जिंजर डालूँगी। जिंजर को मैं स्मैश करके डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे करने से जिंजर का टेस्ट और भी अच्छे से निकलती है। अगर आप लोग चाहो तो छोटा छोटा करके भी काट के डाल सकते हैं। मैं अभी बॉईल के लिए वाटर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मीट से जो पानी निकलती है उस पानी को पहले सूखने दीजिए। उसके बाद 2 कप पानी उसमें डालना है अपने हिसाब से। अभी पानी को सूखने तक ऐसे ही रखना है और ध्यान रखिए कि पानी अच्छी तरह से सूख जाए। तो चलो इस बीच में मिर्चा रोस्ट कर लेती हूँ। मिर्चा अपने हिसाब से लेना, क्योंकि सब लोग स्पाइसी नहीं खा सकता है। मुझे तो स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप लोग देख सकती हो कि मेरा मिर्चा कितना ज़्यादा है। अभी पोर्क का पानी भी अच्छे से सूख गया, तो मैं अभी इसमें 2 कप पानी डालूंगी। तो मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया। अभी ध्यान रखना कि यह पानी अच्छे से सूखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। तो मैं इसको पानी सूखने तक बंद करके रखूंगी और मेरा दूसरा काम शुरू करता है। मैंने चिल्ली अच्छे से स्मैश कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसमें 4 ऑनियन डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पोर्क 1 किलो लिया है। तो ऑनियन को छोटा छोटा करके काटना होगा। ऑनियन बड़ा बड़ा करके काटने से इतना टेस्टी नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऑनियन कितना छोटा छोटा करके काटा। अभी मैं चिल्ली और ऑनियन को मिक्स करके ऑनियन को मैं थोड़ा सा स्मैश करूँगी। ऑनियन थोड़ा स्मैश करके ऐड करने से सब्जी थोड़ा जूसी होगा और भी टेस्टी होगा। तो गाइस, मैंने इसको अच्छे से बना लिया। अभी चलो चेक करते हैं कि पोर्क का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है कि नहीं। पोर्क का पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अभी क्या करूँगी, अभी इसको निकालूंगी। निकालने के बाद ऑनियन और चिल्ली का जो पेस्ट बनाया है इसको इसमें ऐड कर दूँगी। Our food is ready now. So guys, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। ये त्रिपुरा स्टेट का, त्रिपुरी ट्राइब का ट्रेडिशनल फूड है। हम लोग इसको वाहन मोस्टैंग बोलते हैं, जो हिंदी में पोर्क चटनी भी बोल सकते हैं।